दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक के बाद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान ये कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक दोहराया जाएगा, तो सियासी उबाल हो पड़ा। कांग्रेस ने 150 से ज्यादा सीट जीतने का जो दावा किया, इसमें कमलनाथ के चेहरे पर 2023 में 2024 में दिल्ली जीतने की जंग कितनी मुश्किल है, कितना आसान है, देखिए रिपोर्ट। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। राहुल गांधी का ये बयान और उबल पड़ी मध्य प्रदेश की सियासत। हाल ही में कर्नाटक फतह करने वाली कांग्रेस की नजर अब मध्य प्रदेश पर है। पहले हिमाचल, फिर कर्नाटक, दो दो राज्यों में मिली जीत कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित अन्य नेताओं को बुलाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक ली और इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने कर दिया कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश को जीतने का ऐलान। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। 150 सीट जीत लेने के दावे का क्या आधार है? जब ये सवाल पीसीसी अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा राहुल गांधी के पास इसका इनपुट है। राहुल गांधी जी के पास इनपुट है, उनके पास इसकी जानकारी है, वो किसी आधार पर बोल रहे हैं। कर्नाटक रिपीट होगा सर? कर्नाटक से बढ़िया रिपीट होगा। शायद कांग्रेस की तरफ से ऐसे ही दावे किए जाने का इंतजार बीजेपी को था। कांग्रेस के 150 सीट जीतने का ये दावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहां रास आने वाला था, सो कह दिया मन बहलाने को ख्याल अच्छा है। ख्याली पुलाव पकाना है तो पकाइए, बीजेपी इस बार 200 का आंकड़ा पार करने जा रही है। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी जमकर चोट की। कहा दिल्ली में सपना देखना कांग्रेस बंद कर दे, मध्य प्रदेश आकर देखे तो असली हाल पता चलेगा। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने यूपी और गुजरात चुनाव का हाल बताते हुए कांग्रेस की दुखती नस दबा दी। अब दिल्ली में बैठ करके वो सपने ही तो देखेंगे और क्या देखेंगे। अरे मध्य प्रदेश आओ तब जमीन पता लगेगी। राहुल गांधी जी, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का बॉर्डर गुजरात से लगता है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है। जिस गुजरात के अंदर आपको कैंडिडेट नहीं मिली, आपकी जमानतें जब्त हो गई और उत्तर प्रदेश के अंदर आप इस्तनाबूत हो गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन ताकत के साथ जो इस मध्य प्रदेश को विकास का मॉडल दिया है, जो आपके दिग्विजय सिंह के मिस्टर बंटाधार के नेतृत्व में बीमारू राज्य था, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वो विकसित राज्य बना। और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में श्रीमान राहुल गांधी जी, आप भी झूठ बोल के गए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किया नहीं। कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठकें, मध्य प्रदेश जीत लेने का दावा और ऐलान ये भी कि कमलनाथ के ही चेहरे पर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के हमले भी कांग्रेस पर तेज हैं। 150 बनाम 200 सीट जीतने के दावों में कितना दम है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वाया 2023-24 में दिल्ली जीतने की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।